दोस्तों, खबरें तो हम आपको रोज दिखाते हैं, लेकिन आज हम आपको ऐसी जगह लेकर चलते हैं जहां पर एक बहुत ही अच्छा कार्य कहें, इसे नेक काम कहें, दादी की रसोई एक ही कॉन्सेप्ट है, जहां पर इसको हम रेस्टोरेंट कह सकते हैं क्योंकि अंदर एसी लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है। इसे अगर दूसरा नाम कहें देसी भाषा में तो ढाबा भी कह सकते हैं। और अनूप खन्ना जी हैं जो इस ट्रस्ट को चलाते हैं, और मात्र पाँच रुपये इस महंगाई के ज़माने में, मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, मात्र पाँच रुपये में यहाँ पर पूरा खाना मिलता है, खाने की प्लेट मिलती है। और आइए हम आपको दिखाते हैं कि आज खाने में क्या क्या बना हुआ है। देखिए कितने प्रकार के व्यंजन हैं यहाँ पे। अगर बात करें तो देखिए, अचार है यहाँ पर, फल फ्रूट्स भी हैं यहाँ पर, मीठा व्यंजन भी है, रोटियाँ भी हैं, दाल भी है और चावल भी हैं। देखिए कई लोग यहाँ पर 12 बजे से शुरुआत होती है और कई लोग यहाँ पर आते हैं, बहुत ही मन से यहाँ पर खाना खाते हैं। भूखे पेट जो लोग होते हैं वो यहाँ पर मात्र पाँच रुपए में। एक सज्जन हैं, भैया हैं जो खाना खा रहे हैं। भैया कब से खाना खा रहे हैं यहाँ पर? देखो, जानता तो मैंने बहुत टाइम से हूँ, तो जब भी मौका लगता है इधर आके खा लेते हैं। और इसलिए नहीं खाते कि यहाँ पे खाना आ रहा सस्ता मिलता है, इसलिए खाते हैं क्योंकि यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा है और अंकल जी तो बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आ जाते हैं जब भी टाइम मिलता है और यहाँ पे खा लेते हैं। क्या लगता है इस महंगाई के ज़माने में, जहाँ पर पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, तेल इतना महंगा है, दालें इतनी महंगी हैं, प्याज टमाटर की तो पूछिए ही मत, तो फिर यहाँ पर पाँच रुपए में खाना मिल रहा है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट कैसा लगा ये? बहुत सही है। और ये कोई रेस्टोरेंट का नहीं है कि सिर्फ पाँच रुपए में देना है, ये उनकी ये वो अपने ना दादी के लिए करते हैं और एक सामाजिक कार्य है, तो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ कि लोग बाग इससे इंस्पायर हों और जिनके दिल में ऐसा आता है वो करें, बिल्कुल बहुत अच्छा है। तो देखिए आप किस तरीके से सज्जन जो हैं जो यहाँ पर खाना खा रहे हैं वो इस दादी की रसोई का ये जो कॉन्सेप्ट है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये जो नेक काम है वो सिर्फ ये मान लीजिए कि जो लोग भूखे पेट हैं, वो चाहे नीचे तबके के हों चाहे ऊपर तबके के हों, कोई भी यहाँ पर आकर खाना खा सकता है और मात्र पाँच रुपए में। अनूप खन्ना जी हैं जो इस ट्रस्ट को चला रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से ये कॉन्सेप्ट कब शुरू किया गया था, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए और क्या कहना चाहेंगे? बहुत पॉपुलर है ये। 21 अगस्त 2015 से हम लोगों ने शुरू करा था। इस तरीके से ये खर्चा चलता है? कॉन्सेप्ट की बात तो ये मेरा, अगर पिछले 30 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, मैं कुछ ना कुछ सोशल वर्क करता रहा हूँ, तो उसमें कुछ ना कुछ करते रहे हम लोग। उसी कड़ी के अंदर एक काम ये भी था, फीस के लिए मैंने बहुत काम करा, पॉलीथिन के लिए बहुत काम करा, बहुत सारी चीज़ों के लिए काम करा है, तो उसी कड़ी के अंदर एक सोशल वर्क ये भी था। इसके माध्यम से हमने चाह रहे हैं कि एक लोगों को सिविक सेंस भी दिया जाए। जैसे आप यहाँ देखिए, इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, गाड़ी पार्किंग में ठीक से लगानी होगी, लाइन में खुले पैसे लेके लेंगे, जो भी आ रहा है आप देखना, अपने 5 रुपये का सिक्का है। ये आपके माध्यम से इसलिए कहना चाह रहा हूँ, पेट्रोल पम्प वगैरह पर जब आप जाते हैं तो आपने देखा जब पूरा पेट्रोल भर जाता है, फिर आदमी जेब में हाथ डालता है, पीछे वाला हॉर्न बजाता है, अरे यार जब हमारा 2000 का पेट्रोल भरना है पहले पैसे निकाल के रख लो। वो सब चीज़ें यहाँ सिखाई गई हैं। आप यहाँ देखिए, कोई भी बड़े डिसिप्लिन वे में रहते हैं सारे के सारे, बगैर हेलमेट वाले को खाना नहीं मिलेगा जिसके पास हेलमेट नहीं है, तो यहाँ थोड़ा सा सिविक सेंस भी देने की कोशिश करी गई है। और जितनी भी गाड़ियाँ हैं आप यहाँ देखेंगे, सबसे बड़ी खासियत सब गाड़ी अपनी प्रॉपर पार्किंग में लगाते हैं, तो कुछ चीज़ें यहाँ सिखाने का भी प्रयास है, सिविक सेंस देना। खाना तो देना है ही है। अब जैसे कपड़े देते हैं हम लोग 10 रुपये में, ये कपड़े देना अपने आप में बहुत, कोई भी दे सकता है, लेकिन हम यहाँ चॉइस दे रहे हैं। जैसे आप और मैं मॉल में जाते हैं, 10 तरह के कपड़े निकालना, उनमें से एक कपड़ा पसंद करना, वो चॉइस बेची जा रही है बेसिकली 10 रुपये में। कपड़ा तो कोई भी दे देगा। कपड़े लोग डोनेट करते हैं और फंड किस तरीके से, मतलब शुरुआत हुई थी तो क्या लोगों का रिएक्शन? आज भी शुरुआत में तो खैर लोग यही कहते हैं, नौटंकी है, देखना 2-3 महीने करेगा बंद कर। तो जो काम आप दिल से कर रहे हैं उसमें फंडिंग कभी कोई दिक्कत रहती नहीं है। हमारे पंचलाइन है, दान हमेशा चल के देना चाहिए, मांगी भीग जाती है। हमने आज तक किसी से चवन्नी नहीं मांगी। दाल चावल अचार आज भी मैं अपनी तरफ से ही दे रहा हूँ। अगर फंड आ रहे हैं तो ये एसी रेस्टोरेंट खोल दिया, फंड आ रहे हैं तो ये फ्रूटी दे दी। भाई 5 रुपये में 20 रुपये की चीज़ आप खिला रहे हैं, कहीं कोई दे रहा है तब,
ये सारे बंद कर देंगे तो बेसिक चीज़ जो है दाल चावल अचार जो मैं पहले दे रहा था वो आज भी दे दूंगा। प्रॉब्लम ये नहीं है, फंडिंग इज़ नॉट ए प्रॉब्लम। यहाँ एक ट्रांसपेरेंसी रखने की हमने कोशिश करी है। हम ये नहीं कहते हम आज यहाँ गए आज वहाँ गए हमने वहाँ जाके बांटा। आप कभी भी आइए, आप अचानक आए हैं, आपने देखा जो हम क्लेम करते हैं वो सारी चीज़ें बट रही हैं, तो वो ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। हर एक को लगना चाहिए, अब एक शख्स आए उन्होंने कहा मैं अपनी तरफ से कुछ करना चाहता हूँ, मिठाई तेरी तरफ से हो गई भाई, भाई ठीक है 500-700 रुपये 1000 रुपये की मिठाई बांटना चाहता है कोई भी आके बांट दे। तो ये लगता है कि बहुत सारा हो रहा है लेकिन कोई ना कोई ऐसा स्वयंसेवक आ जाता है जो अपने आप कर देता है। थोड़ा सा अब आपको अंदर लेके चलते हैं, देखिए अंदर रेस्टोरेंट है और ये मात्र 5 रुपये में ही आप एसी का आनंद ले सकते हैं, आप टीवी का आनंद ले सकते हैं। देखिए बच्चे हैं यहाँ पर भरपेट खाना खा रहे हैं और 5 रुपये की ये प्लेट है, इसमें दाल है चावल है, देखिए किस तरीके से, देखिए और चॉकलेट भी है, अब आप सोचिए, देखिए बिस्किट भी है और सारी चीज़ें, देखिए पाले जी बिस्किट भी है, अब आप सोचिए 5 रुपये का तो बिस्किट ही आता है, तो आप समझिए कि किस तरीके से इस महंगाई के ज़माने में कितनी बड़ी ये जो सेवा है यहाँ पर अनूप खन्ना जी इसको निभा रहे हैं। सर एक कपड़े भी देते हैं, देखिए कपड़े, देखिए कपड़े भी हैं, शेरवानी है और शादी के लहंगे कुर्ते बहुत अच्छे अच्छे हैं, 1-1.5 लाख रुपए के हमारे पास हैं, 30-40 हैं। आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि कोई भी शादी करे, अच्छे घर के हों मिडिल क्लास हों, हमारे यहाँ से ये शादी के लहंगे कुर्ते वगैरह ये ले जाएं और जो पैसा बचे, एक दिन के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का कोई सेंस नहीं है, उस पैसे को आप बच्चे को गोल्ड दे दें या उसकी ज़रूरत का सामान दे दें। ये सामान फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है हमें, आईडी प्रूफ कोई भी दे देगा और धोखे प्रेस करा के वापस कर देना होता है उसने। अब सर एक बात बताइए, ये तो सब आपने पिछले 5-6 साल में यहाँ तक पहुँचा, अब आगे क्या प्लानिंग है, अब इससे कहीं और कुछ ऊपर लेके जाना है क्या? नहीं, मैं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पूरे हिंदुस्तान में 400 से 500 जगह अब इस तरह का जगह जगह लगा रहा है, नोएडा में भी बहुत जगह जगह लगा रहा है और अब मैंने ये रेस्टोरेंट का कर दिया है, तो अब मैं चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में 5 रुपये के एसी रेस्टोरेंट्स खुलने शुरू हो जाएं। तो देखिए मेरा ये मानना है, अनूप खन्ना अपने आप को फेमस क्यों होने देना चाहे, अनूप खन्ना ख़त्म तो सारी चीज़ें ख़त्म वो नहीं, ब्रांचेस फैलेंगी, उन ब्रांचेस की और ब्रांचेस हों तो ये पूरा देश के अंदर इस तरह का एक माहौल बन जाए, ये मैं चाहता हूँ। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि बहुत बहुत ही शानदार सोच है अनूप खन्ना जी की, कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि वो एक तरीके से अनूप खन्ना दी अनूप खन्ना एक ब्रांड बनकर नहीं उभरना चाहते हैं, दादी की रसोई की तरह 5 रुपये की थाली जो है यही, इसकी कई सारी ब्रांचेज जो हैं वो भारत में खुलेंगी, तभी इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और इस तरीके के नेक काम जो है वो आगे भी हमेशा लोगों को भी बहुत ज़्यादा आगे आना चाहिए और बड़ी उत्सुकता से उसी मन के साथ इन सब चीज़ों को करना चाहिए। कैमरा पर्सन चंदन के साथ नोएडा से हृदय यादव, न्यूज़ पॉइंट।